सांप देखते ही हर किसी की सांसें फूल जाती हैं और खासकर जब कोबरा सांप हो तब सांस फूलना तय है। लेकिन एक युवक जो अभी हमारे साथ है, हम आज उसको बताते हैं कि वो किस तरीके से लाइव सांप पकड़ने का जो दमखम है वो दिखा रहे हैं। जहां पर भी बाड़मेर में सांप दिखाई दे इनको सूचना मिलनी चाहिए और ये वहां जाकर उस सांप को पकड़कर लोगों को बचाने का ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। दीपक सेन इनका नाम है, करीब 18-19 साल इनकी उम्र है और आप देख सकते हैं कि एक जगह सांप की सूचना इनको मिली थी और उसके बाद ये तत्काल वहां पर पहुंचे और उन्होंने सांप को पकड़ा है। अब हम इनसे बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर इस किंग कोबरा को पकड़ने का जो ये इनका हुनर है इससे वो अब तक कितने सांप पकड़ चुके हैं और उनको कितना भय लगता है जब सांप उनके सामने हो। ये जो सांप है इसकी करीब 5-4 फीट जो इसकी लंबाई है और बहुत जहरीला सांप है ये। और दीपक अभी थोड़ी देर बाद इसको एक जो डब्बा है उसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसको ऐसी जगह जंगल में छोड़ देंगे जहाँ पर कोई आसपास आता नहीं हो, किसी इंसानी जो व्यक्ति है इंसान जो है उनको ये नुकसान ना पहुँचा दे। दीपक पहले तो आप इस सांप को अंदर डालिए ताकि हम आपसे बातचीत कर पाएँ, क्योंकि सांप से बड़ा भय लगता है हर किसी को, हमें भी लगता है और आपको भी लगता है। तो किस तरीके से ये देखिए आप, सांप को इन्होंने पकड़ लिया है और हम अभी इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सांप को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी को डर लगता है। ये सांप काफ़ी बड़ा भी है दीपक और लोगों को काफ़ी डरा भी है। जी ये सांप जो ब्लैक कोबरा है ये अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए अपनी जो मोटाई है उसको और फुलाता, अपनी सांस फुलाता, जिससे इसका जो शरीर है वो और बड़ा दिखता है अपने को। और ये जो फन फैलाता है इसका कारण ये है कि ये लोगों को डराता है, ये मतलब इसके पास लड़ने की ताकत है, ये दूसरे सांपों की तरह भागता नहीं, इसलिए ये फन फैला के हमेशा बैठ जाता है, इससे अपने को लगता है, जिसकी वजह से ये और डरावना लगता है अपने को। तो ये आपने सीखा कहाँ से, सांप तो ये कोबरा सांप को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लोग डरते भी खूब है, आपको डर नहीं लगता, आपकी उम्र भी काफ़ी कम है। जी मैंने इसका प्रशिक्षण लिया है ऐसे तो उदयपुर में, जब मैं छोटा था तब मैं डिस्कवरी पे देखा करता था कि जो फॉरेनर लोग हैं वो इस मतलब जो सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, तो मैं भी सोचता था कि यार मैं भी कभी सीखने जाऊँगा, तो मैंने सोचा कि इंडिया में तो ऐसा कोई सिखाएगा नहीं तो कहाँ जाए। तो जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि उदयपुर में एक शख्स है चमन सिंह जी, वो ये इसका काम करते हैं पूरे उदयपुर में, वो सांप का रेस्क्यू करते हैं। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे पूछा कि बताओ क्या हुआ, तो मैंने पूछा कि सर मेरे को भी सांप पकड़ना सीखना है। तो उन्होंने पूछा कि तुम सांप पकड़ना क्यों सीखना चाहते हो, तो मैंने बताया कि सर मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जो सांप मार देते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, तो मुझे इसलिए बचाना सीखना है उनको कि मैं सांपों को बचा सकूं। अब तक कितने दीपक सांप बचा चुके हैं? जी मैं बाड़मेर में तो करीब 200 से ज़्यादा सांप पकड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे आए को यहां पर 2 हुए हैं और इससे पहले मैंने 3 तक उदयपुर में सीखा है चमन जी के साथ, जिनके साथ मैंने ऐसे ऐसे घातक रेस्क्यू किए हैं, कुएं में उतरना वगैरह इस तरह से, तालाबों में, नदियों में इस तरह से मैंने रेस्क्यू किया है। और मुझे उन्होंने मतलब उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरा अच्छी तरह से मेरे को उन्होंने सिखाया है। दीपक मूल रूप से कहाँ के हो? जी मैं उदयपुर से हूँ। अच्छा ये बताओ कि जब पहली बार आपने सांप पकड़ने का प्रयास किया, डर नहीं लगा? क्योंकि कोबरा उसका उसके बारे में जब सुनते हैं कि बहुत जहरीला होता है, उसका काटा हुआ कहते पानी नहीं मांगता। जी जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे मतलब बारिश का टाइम था तो मैं फर्स्ट टाइम सांप पकड़ने के लिए जाने वाला था चमन जी के साथ, तो मैं उनके साथ जब गया तो मुझे देखते एकदम डर लगा, जब वो बार बार अपनी पुकार देता है डराने के लिए तो मुझे एकदम से डर लगा। फिर ऐसे ही मेरे को उन्होंने धीरे धीरे पास बुलाना शुरू किया, सबसे पहले तो मैं पास भी नहीं जाता था उसके, बहुत दूर खड़ा रहता था और देखता था कि कैसे क्या पकड़ते हैं। तो जो मेरे गुरुजी ने सबसे बड़ी जो बात की, उन्होंने बोला है कि पकड़ने से ज़्यादा कि देख देख के सीखो कि आप कितना देख सकते हो, उसके मूवमेंट सीखो, वो कैसे करता है, किस तरह से काटता है, आप हर चीज़ सीखो। तो उन्होंने मेरे को उस तरह से उन्होंने बताया। जब फर्स्ट टाइम मैं गया तो मेरे को डर लगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे उन्होंने मतलब किसी भी बहाने से, जैसे बोलते थे ढक्कन दे दे, ये डब्बा दे दे, इस तरह से उन्होंने मुझे अपने पास पास बुलाना शुरू किया, मोटिवेट किया। और फिर दिन भर वो उसी के बारे में समझाते रहते थे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब सांप जब आप पकड़ते हैं तो उस वक्त क्या सोचते हैं कि कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई?
तो जान से भी हाथ धो सकते हैं। जी मेरे जो सबसे बड़ा सवाल कहूँगा, मतलब जो मेरा जवाब हो गया ये है कि जहाँ पे दुनिया के कदम रुक जाते हैं वहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सांप देख के हर कोई डर जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक तो हमने लोगों को बचाना है, दूसरा उससे बड़ा जो हमारा जो मोटिवेट मतलब जो रहता है वो है कि सांप को बचाना है, क्योंकि सांप लोग मतलब लोग सांप को मार देंगे, ठीक है, तो कैसे भी हो, क्योंकि अगर कहीं चला गया ऐसे तो लोग उसको मार देंगे सांप को, तो हम सोचते हैं कि हमें बचाना है, तो हम उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। अगर वो कहीं पत्थर वगैरह के नीचे भी चला जाता है, लकड़ियों के पीछे चला जाता है, तो हम उसको हटाते हैं। हम कई बार पढ़ते हैं कि सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं। जी सत्य कहा आपने, भारत में हम नॉर्मली मानते हैं कि चार प्रकार के जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं। आप ये भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब सांप को जो कोई देखता है वो उसको तत्काल सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि पत्थर हो लाठी हो पे सबसे पहले उसको मारें। जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना कोशिश करें लगभग सांप से 10 फुट की दूरी बना के उसको देखें। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करें कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अटैक करे, क्योंकि आप जैसे अगर आप भी हुए कोई आपको बार बार थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे? वैसे आप सांप को बार बार लकड़ी से पत्थर से इस तरह से डराते हो तो वो उसका रिएक्ट होता है कि वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको ना उसको बैठ के देखना चाहिए सांप को कि वो क्या कर रहा है। आपको ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप उसके पास में नहीं जाते। रिएक्ट मत करो, आप कोई रिएक्ट मत करो कि वो आपके पास आए, वो आपसे दूरी बना के रखेगा। और मतलब सांपों का ये कि वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं नुकसान पहुंचाऊं इंसानों को, क्योंकि इंसान उसका भोजन नहीं है तो वो इंसानों के पास नहीं आता। लेकिन चूहे जो है वो अपने घरों में मिलते हैं, और सांपों का भोजन है चूहा, तो वो कहाँ जाएगा? वो अपने घरों में ही आएगा, क्योंकि अपने घरों में अनाज वगैरह, मतलब जंगल वगैरह ये कम हो गए, प्रकृति कम हो गई, इस वजह से शहरों की तरफ रहवासी इलाकों की तरफ सांप भागते हैं, ये अपन मान सकते हैं। क्योंकि इनका जो भोजन है भोजन जो है मुख्य वो है मेंढक और चूहा, तो जंगलों में अब चूहे वगैरह कम पाए जाते हैं, क्योंकि इंसान उसके खाने के लिए इंसानों के पास है अनाज वगैरह, जो दालें वगैरह है चावल ये सब सिटी के अंदर है, तो वो सांप उनके पीछे आता है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको काफ़ी प्रचलन यहाँ पे नाम को मिला है कि सांप अगर कहीं निकल जाए तो सीधा कोबरा मैन एक ही नाम याद आता है कि दीपक को बुला लो। जी कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं बाड़मेर में? जी मेरे को मुख्यतः तो जो पहले जो फ़ोन आते थे वो मैन है वन विभाग से मेरे को फ़ोन आते थे, फिर मैं उनके साथ जाके रेस्क्यू किया करता था। पर जैसे मेरा मतलब धीरे धीरे जैसा बढ़ता गया, लोगों ने मेरे बारे में सुना तो लोगों ने मेरा नाम सर्च किया वगैरह, मतलब फेसबुक पे सर्च करना चालू कर दिया। तो ऐसे करके फेसबुक पे सर्च करके काफ़ी लोगों ने मेरे से नंबर मांगे और मैं उनको मैंने नंबर भी दिए हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपस आगे से आगे नंबर बढ़ते गए व्हाट्सअप के जरिए, फेसबुक के जरिए। इस तरह से अभी बाड़मेर में ऐसा है कि मेरे को काफ़ी लोग जानते हैं, और उसके अलावा अखबार में जो है एक दो बार न्यूज़ आई थी मेरी, उस वजह से लोग मेरे को पहचानने लग गए और उनको लगा कि बाड़मेर में कोई है, अब हमें सांप नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अभी कोई भी दिक्कत होती है सांप होता है तो वो मेरे को बुला देते हैं सांपों के। एक ये भी कहते हैं कि जो ये किंग कोबरा और दूसरे जो सांप है ये काफ़ी दुर्लभ है और इनको हर किसी के जो कोई पकड़ नहीं सकता, वन विभाग के जो प्रशिक्षित लोग हैं वही पकड़ सकते हैं। आप अकेले जाते हैं पकड़ने के लिए, वन विभाग वाले परेशान नहीं करते? जी उनको उन्होंने दो बार मैं गया था प्रशिक्षण देने, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं आप जब जाते हैं अकेले पकड़ने के लिए तो चूंकि ये काफ़ी विलुप्त होने वाली प्रजाति है, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो वन विभाग के लोग आपको परेशान नहीं करते भाई आप वहाँ क्यों गए, आपने सांप को पकड़ा क्यों? जी वन विभाग मेरे को मतलब जो वन विभाग मेरे पास साथ में आता है लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर एरिया जो होता है तो उसमें वो मेरे साथ आते हैं वन विभाग वाले। उसके बाहर का जो होता है 50-60-70 किलोमीटर जो भी है वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल बाइक लेके जाता हूँ। तो आपको लोग काफ़ी याद भी करते हैं कि चलो सांप से बचा लिया, धन्यवाद भी देते होंगे? जी सर। तो अभी इन सांपों को करते हैं क्या पकड़ने के बाद? जी मैं पकड़ने के बाद इनको सुरक्षित जंगलों में छोड़ देता हूँ। सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते? तो आप अभी आप बाड़मेर के कोबरा मैन यानी दीपक सेन के बारे में देख रहे थे, उन्होंने आज ही ये करीब 6 फुट लंबा कोबरा जो सांप है जो बहुत जहरीला भी होता है उसको आज पकड़ा है। अभी तक पिछले 2 साल में करीब 200 सांपों को ये रेस्क्यू कर चुके हैं, और वन विभाग जहां नहीं पहुंचता वहां दीपक पहुंचते हैं। इनका ये कहना है कि वन विभाग ये कई बार गए प्रशिक्षण देने के लिए कि सांप किस तरह से पकड़ा जाए, लेकिन इंटरेस्टेड लोग नहीं मिले उनको। ऐसे में ये अपने स्तर पर मुहिम वाइल्ड लाइफ बचाने को लेकर
चला रहे हैं जिसमें सांप को देखते ही मारने की जो मानसिकता है उसको बदला जाए। निश्चित तौर पर कोबरा बचाने में अच्छा योगदान दीपक का भी माना जाएगा। शर्त यह है कि प्रशासन और वन विभाग इनको प्रोत्साहित करें और प्रशिक्षित करें। लोगों को भी वन विभाग की मार्फत से दीपक की सांप मारने से बेहतर है सांप को बचाया जाए, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता, जैसे हर आदमी गलत या हर आदमी बुरा नहीं होता। कैमरा पर्सन प्रकाश खत्री के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर टाइम्स, बाड़मेर।